तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी चिल्ला लेके आई हूँ जो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है एक बाउल बेसन और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। देखिए मैंने किस तरीके से प्याज काटा हुआ है, लंबा लंबा बारीक बारीक, आप लोग को भी इसी तरह काटना है। और आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये चिल्ला बनाने का, बेसन का चिल्ला बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैंने इसमें डाला है शिमला मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्च कटी छोटी छोटी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा नमक, ये देखिए। और अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी पाउडर, हम इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी ज्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा ऐड करना है हल्दी पाउडर। और अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो दरदरा पीसा हुआ है, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा दरदरा पीसा हुआ अदरक का पेस्ट। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करना है और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फटाफट यदि आपको नाश्ता तैयार करना है तो ये 5 मिनट के अंदर आपका ये नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा और बच्चों को भी पसंद आएगा। बच्चों क्या, हर किसी को ये पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ये पेस्ट बनके रेडी हो गया है। आप लोग देखिए, आप लोगों को इतना ही थिक रखना है, ये देखिए। और अब इसमें जो हम डालेंगे वो है जीरा, ये देखिए जीरा मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसमें कुछ नहीं मिक्स करना है, आप चाहे तो और भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा पेस्ट बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, ये देखिए आपको इतना ही थी। अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ। देख लीजिए मैंने ये कढ़ाई ली है और मैं अक्सर तवे में बहुत कम इसमें ज्यादा बनाती हूँ क्योंकि इजी तरीके से बन जाता है। तो मैं अब इसमें लगाऊंगी तेल, तो फ्रेंड्स देखिए कसूरी मेथी और जीरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं पेस्ट डालूंगी अपना इसमें, और इसको अच्छी तरीके से फैला दूंगी। तो देखिए इसे हम किनारे किनारे से अच्छे से लूज कर लेंगे और हम
इसे धीरे से पलटा लेंगे। कितना अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो कितनी इजी तरीके से ये पलट चुका है। तो अब इसे अच्छे से धीरे धीरे ही आंच में पकाना है, ज्यादा फ्लेम में नहीं पकाना है वरना ये जल जाएगा और अंदर तक नहीं पकेगा। तो देखिए, तो ये देखिए, ये पीछे कुछ इस तरह है, इसमें हम हल्का सा ऑयल और लगा देंगे। इसमें हम किनारे किनारे से हल्का ऑयल और डाल देंगे ताकि ये और अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए, लगभग लगभग मेरा चीला बनके हो गया है जल्दी। ये देखिए, अब इसे हम पलटा देंगे एक बार और। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम दूसरा बना लेंगे। ये देखिए, फ्रेंड्स देखिए, मेरा दूसरा चीला तैयार हो गया है बन करके। ये देखिए, आप उसी तरह सारे चीले बना लेंगे। तो अगर ये मेरा चीला बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा चीला बन के हो गया रेडी। आप देख सकते हैं कितना, ये देखिए कितने अच्छे पके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।